साचा है धर्मा गुरु का, तू भी आ कर देख ले, क्या तू लेकर आया जग में, क्या तू लेकर जाएगा, मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा, मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा, साचा है दरबार गुरु का, तू भी आकर देख ले, साचा है दरबार गुरु का, तू भी आकर देख ले, मिलता है सब कुछ यहाँ, आज मांगकर देख ले, साचा है दरबार गुरु का, तू भी आकर देख, पाप की गठरी मत रख सर पर, बोझा बढ़ जाएगा, पाप की गठरी मत रख सर पर, बोझा बढ़ जाएगा, प्राण बखेरू उड़ जाएंगे, मुक्ति कभी ना पाएगा, प्राण बखेरू उड़ जाएंगे, मुक्ति कभी ना पाएगा, साचा है दरबार गुरु का, जल्दी से भगवान आपको उठित करे, अब ठीक है, बस खांसी है, खांसी है, अभी गला खराब है, बस ठीक है। एक दिन नहीं आई थी, अच्छा नहीं लगा, एक दिन तुमको देखा नहीं तो अच्छा नहीं लगा, हम लोग ढूंढ रहे थे कहाँ गए, सन्नाटा लग रहा था। आप ठीक है जी? हाँ मासी, जय सतगुरु की। मासी कैप लगा लीजिए आप, अगर बालों में तेल लगाया तो पॉलिथीन करके कैप लगा लीजिए, कैप लगा लीजिए मासी। अब भूल गए थे, मासी का लोग दिखना चाहता है ना। अब भूल गए थे, लो लग गए। हम लोग के गुरु जी के बड़े अच्छे हैं, बहुत हम लोग किस्मत वाले हैं, बहुत किस्मत वाले हैं, गुरु जी ने कैसे कैसे दरबार दिया, कैसे अपना पन दिया, कितना सच्चा ज्ञान दिया, ये मुट्ठी बांधे आए थे लेकिन हाथ पसारे जाने वाली बात थी, लेकिन अब क्या है कि तो मुट्ठी बंधी हुई है हम लोगों की भी, क्योंकि गुरु के ज्ञान की दौलत से नवाज दिया है गुरु ने, अपने ज्ञान की दौलत से, बोले खेल खेल की तरह से सब, बहुत क्या बताए कैसे गुरु जी ने, पाप की गठरी एक ही है, मैं तू, बस सारा
मुश्किल हो रहा है उससे चल रहा है सारा परमात्मा से ये गेम संसार का, और हम लोग माया तू करने लगते हैं, यही सबसे बड़ी पाप की घटती है। इसी को गुरु जी ने अपने साथ से अभ्यास करा करा के हम लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिस में डाल दिया, हमें कहते हमारी आदत बना दी। वो आदत ही आज तक हम लोगों को काम दे रही है कि मैं तू आता है खेल खेलते खेलते एकदम मैं तू का जैसे हो जाता है, स्वाभाविक है मैं तू आ जाना। लेकिन नहीं आता गुरु के बिना चैन नहीं, अंदर में अंदर में फिर उस मैं तू को झगड़े को खत्म करते हैं, खत्म करके अंदर के अंदर बाहर खेल दूसरा हो रहा, अंदर के उसमें फिर भगवान। अरे ऐसा अच्छा लगता है, ऐसा गुरु जी की कृपा लगती है, ऐसी शांति ऐसा आनंद, चाहे जैसी स्थिति हो लेकिन शांति अंदर होती है और कोई विचार नहीं चलते। बोले अभी शरीर छूटे तो अभी छूट जाए, कोई दिक्कत नहीं, पहले चिंता नहीं हो, पहले चिंता हो, कितनी चिंता होती थी ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, हमारे बाद इनका क्या होगा उनका क्या होगा, या हमारे को क्या कष्ट मिलेगा, कौन कौन से गौरव नरक में जाना पड़ेगा, इन सब का विचार आता था। जब आप मायतु में रहेंगे ये विचार स्वाभाविक है हमको तुमको आना, लेकिन जैसे अंदर का अभ्यास करते जाओ तो एक अलग शांति, एक अलग निश्चिंतता, एक अलग जैसे पड़ाव शुरू हो जाता है जहाँ पे ठहराव है, बहुत आराम। और ये सब जैसे बस चलते चलते इसी गुरु के विचार को अपना अपना के करते करते सब क्या होता है कैसा, ये अनुभव का ज्ञान है, अकथ कहानी है इसको कहते हैं। आपका जो अनुभव होता है जीवन का वही चलता चलता अनुभव ही ज्ञान बन जाता है। गुरु का ज्ञान है तो वो ज्ञान जैसे ना एक मोहर लगा देता है कि हाँ ये सही गुरु जी ने बोला है, ये सही गुरु जी ने बोला, ये सही गुरु जी ने कहा, हर बात में बड़ा अनुभव एक मोहर लगती जाती है। तो पहले कितना डर लगता था हर बात का, हर बात की चिंता होती थी, हर 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 भारी उसकी होती थी। अब तो जो स्थिति दे वो तेरी है, हम क्या जाने, तू जैसा खेल खेला है जैसा रखे, जैसे रखो वैसे रखो, मेहर वाली है दीदी। अब आप बोलिए जैसा सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, बोला ना कि जो मोहर है वो बाहर की नहीं है, विश्वास की मोहर है। हम सच्चाई पर हैं, हम भगवान से जुड़े हुए, हमारे लिए भगवान आगे खड़ा है। जब मन भगवान में लगता है, जब चित्त भगवान से जुड़ता है, तो फिर भगवान दूर नहीं होता है, पास होता है। और जब भगवान पास होता है तो इसका प्रमाण दूसरा नहीं दे सकता है। भक्ति में जब लगन होती है, आज मेरे मन में एक बात आ रही थी कि भक्ति से भगवान मिलते हैं, भक्त भगवान तक पहुंच जाता है, भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा से भगवान मिल जाता है। साधन है भक्ति, किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता है। कोई कहता मैंने सारी जन्म इतना समय लगा दिया, मुझे भगवान की कृपा नहीं मिली, दर्शन नहीं मिला। अब भक्ति में भगवान की कृपा में सिद्धांत तो ये है भक्त को भगवान मिल जाता है, लेकिन भक्त को भगवान कब तक नहीं मिल पाता है, जब तक भक्ति में लगन ना हो। अभी चूल्हा है और चूल्हा जल ना रहा हो तो क्या खाना पकेगा, नहीं पकेगा। जब आज से दूर से जलने लगेगी तो उस पर रखा हुआ कुछ सामान हो सब पक जाएगा। भगवान पाने
के लिए, भगवान मिलने के लिए लगन होनी चाहिए। लगन बढ़ती है लक्ष्य से। लक्ष्य को, भगवान को हम पाना तो चाहते हैं, भगवान हमको अच्छा तो लगता है, लेकिन जगत भी लुभाता है, जगत में भी मन जाता है। जगत में मन जाने से लगन धीमी पड़ जाती है। जगत में सब तरफ सब सत्य दिखाई देता है, जगत सत्य भासता है, तो ब्रह्म सत्य कब भासे? जगत इतनी लगन हो कि जगत आगे का दिखाई न दे, जगत न दिखाई दे, कमियां न दिखाई दे, अपनी कमजोर बोला मेरे में तो ताकत ही नहीं है, मैं कैसे भगवान को पाऊंगा, मैं तो कर ही नहीं सकता हूँ, मैं कैसे भगवान को पाऊंगा। लगन हो जाए तो छोटी सी हिलहरी भी छोटी सी मट्टी को हटा के सेतु निर्माणक बन सकती है। छोटी सी मट्टी हटाई गिलहरी ने और वो सेतु निर्माण में उसका नाम आ गया, उसने सेतु बनाया भगवान का। भगवान ने जो पुल बनाया था उसमें उस गिलहरी का नाम आ गया। उसका प्रयास क्या था, उसकी कोशिश क्या थी, उसकी क्षमता क्या थी, ये सब कुछ नहीं देखा गया, खाली उसकी लगन देखी गई। भगवान भी भक्त की लगन को देखता है, भक्त के भाव को देखता है। लगन में जो अगन है वो भगवान ही पैदा करता है, आग को फूंक देता है, चाहिए कि आग को भड़का देता है। अर्जुन ने जब मछली में तीर मारा था, हिल रही थी पानी में मछली, तेल में हिल रही थी, कैसी एकाग्रता रही होगी, कैसा ध्यान रहा होगा कि उसने कुछ नहीं देखा। जब उसने कुछ नहीं देखा तो भगवान ने क्या किया, हिलती हुई मछली को, उस पानी को शांत कर दिया, उस तेल को उस क्षण के लिए शांत कर दिया। अर्जुन का तीर मछली की आंख में लग गया, उसको लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। लक्ष्य की प्राप्ति बराबर भगवान की कृपा से होती है। भगवान कृपा किस पर करता है, जो लगन वाला होता है, जो चाहत वाला होता है, जिसके अंदर में भगवान की चाहत होती है। दर्द जगावे जीव को, जीव जगावे पियो, दर्द जीव को जगाता है, फिर जब जीव जागता है और भगवान की गुहार लगाता है तो भगवान जाग जाता है। जीव जगावे पियो, जब भगवान जाग जाता है तो फिर परिस्थिति सब दाहिने हो जाती है। विपरीत स्थिति में मन भगवान में नहीं लगता है। हम कहते हैं स्थिति सही हो जाए तब हम भगवान में मन लगा पाएंगे। स्थिति को सही कौन करता है, भगवान करता है। जब मन भगवान से गुहार लगाता है, जब मन भगवान से प्रीत करता है, हमको जगत दिखाई देता है खराब नहीं है, लेकिन हमारा ध्यान भगवान से हट जाता है ये खराब है। जगत नुकसान नहीं करता है, अंदर जगत नुकसान करता है, अंदर घुसा हुआ जगत जो है वो नुकसान करता है, हमारे अहम को डूबने नहीं देता है। बाहर की बातें 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 करके हम जो तत्व है, जो भगवान है, जिसको पाना हमारा लक्ष्य है, जिसमें लय होना हमारा उद्देश्य है, जिसमें लय होके विलय होके हम आराम पाते हैं, उससे हमारा ध्यान भटक जाता है। अभी सुई के छेद में धागा डालना हो, बताओ कितनी एकाग्रता की आवश्यकता है। छोटा सा काम है लेकिन नहीं कर पाता है जब एकाग्र नहीं होता है, जब आंख तेज नहीं होती, जब छेद को देख नहीं पाती है आंख, तो हम चश्मा लगाते हैं, छेद को दिखाई, छेद दिखाई दे तो हम सुई में धागा डालें, जाता ही नहीं है धागा, दिखता ही नहीं, इधर उधर जाता है, छेद में नहीं जाता है। सब क्रिया करते हैं, भगवान तक नहीं पहुंच पाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान में मन एकाग्र नहीं होता है। थिर मन ब्रह्म, अथिर मन संसार। अभ्यास क्या करना है, इस परिस्थिति को बनाने का अभ्यास नहीं करना है। अभ्यास क्या करना है, मन को भगवान में लगाने का अभ्यास करना है। मन भगवान में लगे
इसका अभ्यास करना। जब इस अभ्यास में जुट जाएंगे ना तो हर क्रिया भगवान करा देगा। जो भगवान तक पहुंचने का साधन है वो भगवान जुटा देंगे, क्योंकि वो हमारे वश में नहीं है, वो हम नहीं कर सकते हैं। करते हैं तो अधूरा होता है, करते हैं तो मन भटक जाता है, क्रिया छूट जाती है। बहुत सी क्रिया शुरू करता है आदमी लेकिन आगे तक कंप्लीट नहीं कर पाता है। लेकिन भगवान के रास्ते में जब चलता है, भगवान को जब पाना चाहता है, तो वो प्रीत उसको हटने नहीं देती है। वो प्रीत उसके लक्ष्य को हर बार उज्जवल करती है। बोला लक्ष्य इतना दिखाई दे कि पाए बिना चैन ना आए, भगवान से तादात हुए बिना आराम ना आए, भक्ति ऐसी हो कि भगवान प्रकट हो जाए। जब ऐसी भक्ति होगी तो क्या दूसरा दिखाई देगा, क्या प्रतिद्वंदी दिखाई देगा, क्या कोई और दिखाई देगा, क्या कहीं और बन जाएगा, क्या कोई कहीं और से गिरावट होगी, या कोई हमारे मन को हिला पाएगा। हमारा मन जब लक्ष्य की तरफ बढ़ता है तो हम कुछ भी नहीं देखते। सोचो बच्चा पढ़ाई के लिए अपना घर, अपने माँ बाप, अपना सब कुछ छोड़ के आगे बढ़ता है, पढ़ाई करता है, अपना लक्ष्य हासिल करता है, क्या उसकी प्रीत अपने माँ बाप में नहीं होती है, क्या उसका लगाव अपने घर से नहीं होता है। लेकिन लक्ष्य के लिए उसको वो सब छोड़ना पड़ता है, छोड़ के आगे जाता है, उसको याद भी होता है, लेकिन उसको लक्ष्य हासिल करना है, उस मार्ग में आगे बढ़ता है। आगे बढ़ता है तो लक्ष्य भी पाता है, परिवार भी पाता है, सब पाता है, कुछ छूटता नहीं है। लेकिन लक्ष्य मजबूत होना चाहिए। कौन पढ़ पाता है, कौन जा पाता है, कौन प्रयास कर पाता है। भगवान कहते थे लाखों में एक, करोड़ों में एक भक्ति के मार्ग में लगता है। वो जो करोड़ों में एक है उसकी लगन उसको आगे ले जाती है। लगन वाला पा जाता, आते तो बहुत है लेकिन आके कोई कहीं रुका, कोई कहीं रुका, कोई कहीं रुका, कोई किसी इच्छा में रुका, कोई किसी बात में रुका, मन ने रोक दिया। बढ़ा कौन, जिसको सिर्फ भगवान चाहिए था, जिसको सिर्फ भगवान अच्छा लगता था, जिसकी प्रीत थी, जिसकी लगन थी, जो रह नहीं पाता था। देखने में आता है साधारण सी बात है, लेकिन ये बहुत सच्ची बात है, ये बहुत पक्की बात है कि जो कमी है उपलब्धियों में वो हमारी ही साइड से है, कृपा के साइड से नहीं है। कोई दूसरा हमको पाने में बाधक नहीं है। मन हमेशा दूसरे पर थोप देता है, दूसरे पर बाधा लगा देता है, लेकिन बाधा कोई दूसरा नहीं है, हमारा ही मन है जो लक्ष्य को मजबूती से पकड़ता नहीं है, जो लक्ष्य में मजबूती से तन्मय नहीं होता है, लक्ष्य पाने के लिए पूरा पूरा उद्देश्य नहीं रखता है, भटकन आ जाती है। यही भटकन तो भगवान नहीं पाने देती। कैसे भटकन मिटेगी, कैसे भटकन हटेगी, हम सबका सवाल है, हम सबका प्रश्न है कि ये भटकन कैसे जाएगी। जाने का एक ही उद्देश्य है, एक ही रास्ता है कि लक्ष्य को मजबूत करो। भगवान में जो ध्यान है, भगवान में जो मन है, उसमें तत्परता को बढ़ा दो। अभी खाना बन नहीं रहा है, पक नहीं रहा है, क्या करना पड़ेगा, आग को तेज कर देना पड़ेगा। तेज आग कर दो, फट से पक जाएगा। ऐसे ही भगवान नहीं मिल पा रहा है, हमारा प्रयास कम हो पा रहा है, क्या करना चाहिए, भगवत प्राप्ति की लगन को बढ़ा दो। लगन बढ़ेगी उद्देश्य प्रज्वल होने से। उद्देश्य धुंधला हो जाता है इच्छा के कारण, परिस्थिति के कारण, मन न लग पाने के कारण उद्देश्य धूमिल होता है। जब रास्ता ही धूमिल है तो लक्ष्य कैसे पाओगे, उज्जवल करो। जब बढ़ते जाओगे हर कदम मंजिल पर पहुंचाता है, हर कदम मंजिल के करीब लाता है। पहला कदम हमको मंजिल पर पहुंचाता नहीं है, लेकिन पहला कदम मंजिल के एक कदम करीब करता है। एक कदम बढ़ाओ तो एक कदम जो भी आगे बढ़ता है, 100 कदम प्रभु आगे बढ़ता है। तुम एक अपना पग बढ़ाओ भगवान की से प्रीत का, भगवान की प्राप्ति की लगन का, भगवान की ओर मन की एकाग्रता का, भगवान से
विपरीत का जब एक कदम बढ़ाओगे तो 100 कदम लक्ष्य प्रज्वलित होके तुम्हारे पास आ जाएगा, आनंद आने लगेगा, भगवान मिला कि अनुभव होने लगेगा। अनुभव गम में बोला है ना, भगवान अनुभव से मिलता है। अनुभव कैसे होता है, भगवान मिला का अनुभव कैसे होता है, जब लक्ष्य प्रज्वलित होता है, जब चाह होती है दर्शन की, जब इच्छा होती है कि भगवान मिले, जब मन व्याकुल होता है भगवान के लिए, तब भगवान भी रह नहीं पाता है, दौड़ा चलाता है। जब उसने द्रौपदी ने पुकारा था भगवान को, तो भगवान ने आने में क्या सेकंड लगाया था, क्या मिनट लगाया था, क्या देर लगाई थी, पुकारते साथ तुरंत आ गए थे। पुकार इतनी करुण थी, पुकार इतनी भगवान के लिए थी कि भगवान रुक नहीं पाए। जब हम पुकार में कमी करते हैं, सच बताना, जब ध्यान नहीं लगता है, जब मन नहीं लगता है, देखो तो मन की गति को कि मन क्या कर रहा है, तो दिखाई देगा कि मन दौड़ लगा रहा है, मन और जगह जा रहा है, मन और देख रहा है, नाम रूप में किसी भी तरह से मन जा रहा है, लेकिन मन जा रहा है। जब मन बह रहा है तो बहते मन में स्थायित्व तो कैसे आएगा? स्थायित्व तो आता है लक्ष्य की मजबूती से, बहते में भी स्थिर हो जाता है। पानी हिल रहा है, मन चंचल है, लेकिन जब भगवान का ध्यान करता है तो मन एकाग्र हो जाता, हिलते ही नहीं है, मन समाहित हो जाता है, मन भगवान में लग जाता है। परिस्थितियां हम विषम होती हैं, लेकिन परिस्थितियों की विषमता समता में बदल जाती है जब लक्ष्य मजबूत होता है। देखो हीर राजा का, देखो बाहरी प्रेम में पहाड़ लांग के राजा हीर से मिल लिया था, कि विषम परिस्थिति थी, कठिन परिस्थिति थी, लेकिन प्रीत की लगन ने, पाने की चाह ने पहाड़ नहीं देखा, कठिन नहीं देखा, कठिनाई नहीं देखी, उसकी लगन ने उसको सब पार करा दिया। प्रीति ही है जो बंधन को तोड़ा देती है, प्रीति ही है जो भगवान से जोड़ देती है। जो सब कहते हैं ना, तपस्या करनी पड़ती है भगवान के रास्ते में, तपस्या करनी पड़ती है तो भगवान मिलता है। तपस्या पता नहीं चलती है, तपस्या का एहसास नहीं होता है, क्योंकि प्रीत की लगन ऐसी होती है कि अभी आग लगी हो तो सब तरफ आग फैल जाती है, दूरियों को खत्म कर देती है। प्रीत जब दूरी लगी हुई नहीं, लगी नहीं, तो क्या कहेगा कि तपस्या किया। लगन को बढ़ाने की खाली क्रिया करनी चाहिए, लगन मेरी भगवान में लग जाए, इसके लिए प्रयास और कोशिश। बोलता मन प्राण लगा के करो, मैं मुझे भगवान मिल जाए, मेरी भगवान से प्रीत हो जाए, तो मुझे दूसरा नहीं दिखाई देगा। मीरा जब भगवान से प्रीत की थी मीरा ने, तो क्या उसे राधा दिखाई दी थी, क्या उसे गोपियां दिखाई दी थी जिनके साथ भगवान हर समय रहते? मीरा कहती कि जिनके साथ तो हर समय रहते हो, मेरे ध्यान में आते रहे हो, तो नहीं कहा उसने, क्योंकि उसको दिखाई नहीं दिया, उसे तो सिर्फ भगवान मनमोहक लगे। बोला मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, भगवान ही मेरा है और दूसरा नहीं है, मैं दूसरे को जानती ही नहीं, दूसरे में मन नहीं ले जाती हूँ, तभी तो प्रतिद्वंदिता खत्म होती है। जो राग द्वेष है, जो भगवान भक्ति के मार्ग में राग द्वेष बाधा करता है, दूसरा दूसरा, अभी जितने संत हुए, जितने भक्त हुए, तो उसके बाद क्या उनके साथ और भक्त नहीं थे, सब थे, सबने अपनी अपनी भक्ति की, अपनी अपनी प्रीत किया, भगवान के रास्ते में भगवान के पास आए, बहुत लोग थे तो बहुत लोगों को थोड़ी देखा, भगवान को देखा और भगवान को पाना चाहा। ये भी नहीं समझ में आया कि भगवान के पास बैठ पाने की गुंजाइश कैसे पाएंगे, प्रीत थी तो भगवान रास्ता बना के अपने पास खुद बुला लेते थे, आज अपने पास बुलाते थे, अपने साथ रखते थे,
तो वो सब करने के लिए आप कहे हमने किसी को पीछे ढकेला, हमने किसी को पीछे हटाया नहीं, हमने सिर्फ भगवान पाने का प्रयास किया, सिर्फ भगवान में लगने का प्रयास किया। जब भगवान में लगने का प्रयास किया तो साधन भगवान बनाते चले गए। भगवान किसको नहीं छोड़ता है जो भगवान से छूट नहीं पाता है, वो भगवान में लटका रहता है। हम पेड़ में फल कब तक लगा रहता है, जब तक जुड़ा रहता है। जब फल अपने आप में भारी हो जाता है तो टपक के गिर जाता है। पेड़ थोड़ी पेड़ फल को छोड़ता है, भगवान कभी भक्त को नहीं छोड़ता है। भक्त ही अहम में आ जाता है या वो इतना पक जाता है कि पकड़ नहीं रख पाता है। पकड़ रखे हुए है तो कभी नहीं छूटता है। हमारी पकड़ भगवान से बनी रहे तो हम भगवान से कभी नहीं छूटेंगे, भगवान हमको कभी नहीं छोड़ेगा। कैसे छोड़ सकता है? सांस में, प्राण में, हृदय में, गति में, जीवन में, रोम रोम में भगवान बसा है। कैसे छूटेगा भगवान, कैसे छोड़ेगा भगवान? संदेह न करो कि छूट जाएगा, विश्वास करो कि हमेशा मिल जाएगा। हमारे साथ है सदा, बसत तुम साथ, सदा तुम्हारे साथ बसता है। इसमें किस प्रमाण की आवश्यकता है? खाली विश्वास के प्रमाण की आवश्यकता है, फीलिंग के प्रमाण की आवश्यकता है। ये हर पल हूं का एहसास देता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूँ, मैं तुम्हारा ध्यान रखता हूँ, मैं हर समय हर जगह पर तुमको पालता। तो सरल और कठिन क्या हुआ? हम क्या मांग करें कि कठिनाई हटा दो, सरलता कर दो? हम मांग करें कि भगवान तुम हमारे साथ हमेशा, भगवान हमारे साथ रहे सदा, बसत तुम साथ। भगवान ने वचन दिया मैं सदा तुम्हारे साथ बसता हूँ। अंग संग बेरंग सोई निरंकार है, अंग संग है बसता है अपना आनंद। जब हम बसा हुआ अपने साथ भगवान है को फील करते हैं तो हम आनंद में आ जाते हैं, हर हाल में मस्त रहता है। जो भी हो खुशी जाती नहीं है, आनंद जाता नहीं है। कि बाहर से सुख लोगे तो बाहर का सुख कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। वस्तु स्थिति कभी माफिक होगी कभी बेमाफिक जरूर होगी, क्योंकि ये संसार बदल रहा है, संसार परिवर्तनशील है। भगवान ही है जो कभी नहीं बदलता है, भगवान ही है जो हमेशा साथ रहता है, जो हमेशा साथ देता है। तो बस ध्यान की एकाग्रता को, ध्यान को, मन को अटेंशन के साथ भगवान में लगा दो, प्लीज के साथ भगवान में लग जाओ, प्रयास अपने आप हो जाएगा। कोशिश करनी नहीं पड़ेगी, जो करनी पड़ती है कोशिश वो सब छूट जाती है, हमेशा नहीं हो पाती। भगवान मिलने की जो प्रक्रिया है वो कोशिश से नहीं भाव से होती है। भगवान किसको मिलता है? जो भाव से भगवान को पूछता है। देखो दुर्योधन ने ढेर सारा मेवा इकट्ठा किया भगवान के लिए, भगवान को प्रभावित करने के लिए 56 भोग बनाए, भगवान उसके वश में हो जाएंगे, इसलिए उसने उनको उनका बिल्कुल राजसी स्वागत किया। भगवान ने खाया नहीं, दुर्योधन घर मेवा त्यागा, साग विदुर घर खाया, विदुर के घर केले का चिखला खाया, साग खाया। वो खिलाई चिखला रही थी, भाव में डूबी हुई थी, उसको पता ही नहीं था कि केला दे रही हूँ कि चिकला दे रही। जब आप विस्मृति हो जाती है तो अच्छा और बुरा भगवान भी नहीं देखता है, भाव देखता है, प्रीत देखता है। अब देखो कर्मा बाई की खिचड़ी भगवान ने खाई, जो बुढ़ी थी दातू चबाती रहती थी और जल्दी से उठ के खिचड़ी चढ़ा देती थी। भगवान उठेंगे तो भूखे हो जाएंगे, भूखे हो जाएंगे तो भगवान को कैसे खिलाऊंगी? तो बनाती थी भगवान की प्रीत में, उसको कुछ ख्याल ही नहीं रहता था, अपने आप को ही भूली थी। भगवान आके सवेरे सवेरे, माँ खिचड़ी भूख लगी भूख लगी भूख लगी, वो प्यार से उसके हाथ से खिचड़ी खिलाती थी।
और भगवान खिचड़ी खा लेते थे। जब नारद जी आए तो उन्होंने उसको कहा, अरे तू भगवान को खिचड़ी बनाती हो और नहाती भी नहीं हो, मंजन करते करते खिचड़ी बनाती हो, अशुद्ध खिचड़ी भगवान को खिलाती हो, भगवान भगवान है, कौन है तू, किसको खिचड़ी खिला रही हो, इतना तो जानो, शुद्धता तो रखो कम से कम, भोग में प्रसाद में शुद्धता होनी चाहिए, शुद्धता रखो। उस दिन नहाई धोई सब किया, फिर चूल्हा जलाया, फिर खिचड़ी चढ़ाई, सब भगवान आगे चले गए। हमारी खिचड़ी नहीं बनाई, बोली अभी बनाती हूँ, अभी करती हूँ, मैं अभी दे रही हूँ, अभी कर रही हूँ, लेकिन जागृति थी भाव में, भाव नहीं था, शुद्ध मन शुद्धता में चला गया था, मन कान ने बात सुन लिया था, तो जो लगन थी वो कम हो गई थी, जो भाव था, जो डुबाव था वो कम हो गया था। तो खाली खिचड़ी खाने भगवान थोड़ी आते, भगवान तो उस भाव के पर चढ़ के आते थे जिस भाव से वो भगवान के लिए बनाते थे। भगवान वो डुबाव चाहता है, भगवान वो प्रीत चाहते हैं, वो प्रीत उनको अच्छी लगती है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम सगाई जो है, प्रेम के साथ जो भी क्रिया की जाती है वो भगवान को बहुत पसंद आती है। हमको उसी प्रेम को परिपक्व करना है, भगवान से जो हमारी प्रीत है उसको परिपक्व करना है। भक्ति में प्रीत और गहरी होती जाती है, आंतरिक होती जाती है। भक्ति में प्रीत जो है वो खुद ही को भुलाती जाती है। भगवान से जो प्रीत होती है उसमें क्या खत्म होता है, खाली मेरा भाई खत्म होता है, खाली मेरी जागृति खत्म होती है। क्या बढ़ जाता है, भगवान का ध्यान बढ़ जाता है, भगवान का में लगा हुआ मन भगवान से जुड़ जाता है, ऐसा जुड़ जाता है कि जोड़ नहीं पता चलता कहाँ जुड़ा कहाँ मिला। नदी जब समुद्र में मिलती है तो कहीं दिखती है कि कहाँ मिली, नहीं, समुद्र उसको ऐसे जोर से उछाल के अपने में ले लेता है, ऐसे उत्साह से अपने में मिला लेता है, कहीं मिलती हुई दिखती नहीं है। इसी तरह से जो भगवान से प्रीत है वो भगवान के विरध को, भगवान के स्वरूप को में इस तरह से समाहित हो जाती है कि कहीं दो दिखता ही नहीं, कहीं अलग दिखता ही नहीं, वही वही है। आई ब्रह्म एको ब्रह्म तो द्वितीय नास्ति, एक ब्रह्म है तो दूसरा नहीं है। भक्ति में ज्ञान अपने आप स्वतः प्रकट हो जाता है, भक्ति वाले को ज्ञान लेना नहीं पड़ता, ज्ञान उसके अंदर में भगवान भर देता। जब भगवान अपनी जानकारी देता है तो पूरी पूरी जानकारी मिलती है। जब हम वेद से, शास्त्र से, पुराण से, प्रमाण से ज्ञान को हासिल करते हैं, वो हमारी बुद्धि की क्षमता के अनुसार कम और ज्यादा मिलता है। बुद्धि हमारी तेज नहीं है, उतनी कुशाग्र बुद्धि नहीं है, उतनी समझ नहीं है, सही नहीं जान पाते हैं, खाली ये समझते हैं कि हमने जान लिया। भक्ति में समर्पण होता है, भगवान होता है, मैं को मैं कहने का कोई भी बहाना नहीं होता है, मैं नहीं होता है, प्रीत होती है। अच्छा देखो, क्रिया का कारक क्या है, क्या होना चाहिए, क्रिया का कारक प्रीत होना चाहिए। हर क्रिया हो जाएगी, जो चाहिए होगा वो सब हो जाएगा, कोई प्रीत में कोई बाहरी दिखावा नहीं होता है। दूसरा देखे, दूसरा जाने, अच्छा लगना चाहिए, प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, अच्छे से करना चाहिए, ये सब नहीं होता है। प्रीत में जो है सो है, तो वही तो अच्छा लगता है। विस्मरण, दुर्योधन के पास तो प्रेजेंटेशन बहुत था और विदुर के पास प्रेजेंटेशन माँ के लिए कुछ नहीं था, भाव था। भाव से भगवान बैठ गया, भाव से भगवान आ गया, भाव से भगवान मिल गया। भाव का भूखा हूँ, भाव ही एक सार है,
भाव से यदि भजो तो हमसे बेड़ा पार है, ऐसा भाव न भाव सागर है, न कृपा मिलने में कोई संदेह है, न भगवान की रहमत में कोई संदेह है, सब मिल जाता है। इसलिए भाव को प्रधान करो, इसलिए मन को में लक्ष्य को प्रज्वलित करो। असफलता के लिए ये कभी मत कहना कि कृपा नहीं मिली, असफलता के लिए ये समझना कि मन लक्ष्य में उतनी मजबूती से नहीं लगा, अंदर में भक्ति में जो था लगन की कमी हो गई थी, आग की कमी हो गई थी, चूल्हा जलाया लेकिन लकड़ी गीली थी, चूल्हा जलाया लेकिन मन नहीं लगा, प्रयास तो किया लेकिन अभी हलवा बनाओ और बुनाई कब करो, सब चीज लगे ये बढ़िया बनेगा नहीं बनेगा, अच्छा स्वाद नहीं बनेगा, सब चीज डालो प्रिय भक्ति के लिए, सब काम करो और भगवान के ध्यान की खूब बढ़ाई करो, खूब बनाई करो, प्रीत से जो भी काम करो ना पूरी लगन और पूरी प्रीत से करो। किसकी लगन, खाना बना रहे हैं तो किसके लिए बना रहे, काम कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे, ये जो बोला जो योग है वो खाली भगवान पाने के लिए जब हम दो कदम चले वो योग नहीं है, उसके लिए जो कुछ भी क्रिया किया वो भगवान के लिए किया ये सोच के जब क्रिया किया तो पूरा समय अखंड योग हो गया, खंडित नहीं, योग क्रिया खंडित नहीं होती है, समय चलता जाता है मन भगवान में लगता है, जब मन भगवान में लगता है जब भजन में आते हैं भगवान में आते हैं तो रुभाव आ जाता है, जब सामने दर्शन से प्यास होती है दर्शन की, जब मिल जाता है तो उसी में खो जाता है, लीन हो जाता है, उस एक ही रह जाता है, वही रह जाता है, योग आसान हो जाता है भक्ति के लिए, जब लगन होती है तो भगवान का मिलना आसान हो जाता है, भगवान आसानी से आराम से मिल जाते हैं, क्योंकि भगवान भी तो प्यार करता है, हम प्यार करते हैं भगवान को, वो तो झलक है, भगवान प्यार करता है वो असल है, हकीकत है कि भगवान हमको प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, ऐसा तो कोई किसी ने किया नहीं, ऐसा तो प्यार देखा नहीं, ऐसी तो नजर देखी नहीं, ऐसी जिस नजर से भगवान ने देखा ऐसी नजर से तो किसी ने नहीं देखा, कीचड़ में था उबारने के लिए, फंसा हुआ था मुक्ति के लिए, नहीं मिल पाता था मिलाने के लिए, सब कुछ भगवान ने किया, पाला भगवान ने, जिलाया भगवान ने, खिलाया भगवान ने, पिलाया भगवान ने, जीवन दिया भगवान ने, जन्म को सार्थक किया भगवान ने, हर परिस्थिति से उपराम किया भगवान ने, कठिन हो सरल हो सब में मार्गदर्शन किया भगवान ने, भगवान ने सब कुछ किया, क्योंकि सब कुछ का करने वाला भगवान है और कोई नहीं, हमारा तो जीवन ही भगवान ने चलाया, हर घड़ी हर पल हमको आगे बढ़ाया भगवान ने, भगवान से ही आगे बढ़े, नहीं तो कहाँ ठिकाना था, क्या कर सकते थे, हमारे में तो सामर्थ्य भी नहीं थी, हम तो कुछ ऐसी योग्यता भी नहीं रखते थे, हम तो कुछ ऐसी क्रिया भी नहीं जानते थे, जिसे जो मट्टी का घूर होता है वो क्या कर सकता है, लेकिन उसको भी योग्य बनाया भगवान ने, उसमें भी उसको उसकी गढ़त किया भगवान ने, भगवान भक्त को बनाता है, बस लगन हो, जुड़ा रहे भगवान से, जुड़ा रहे, छिटक के दूर न चला जाए, कोयला अंगार बन सकता है, आग जला सकता है, लेकिन आग की उससे छिटक के दूर चला जाए तो फिर काला हो जाता है, जब हम भक्ति से लगन से प्रीत से महत्व से भगवान से जुड़े रहते हैं
तो हम अंगार बन जाते, भगवान का ही स्वरूप बन जाते, मैं जल जाता है, मैं ना हो जाता है, कुछ बनना नहीं है, भगवान में लय होना है, मिटेंगे तो भी कुछ बनेंगे, लीन हो जाना है, विलय हो जाना है, स्वरूप से मैं भगवान में विलय हो जाऊं, ऐसी ऐसी भक्ति करो जागृति खत्म हो जाए, ऐसी भक्ति करो कि भगवान ही रह जाए, ऐसी प्रीत जोड़ो कि तू ही तू रह जाए, तू तू करता तू गया, मुझ में रही न वो आपा जी ना मिट गया, जित देखा अरे जहां दिखता है भगवान ही, या तो आग जाती नहीं, अंदर में मजे में मस्ती में मौज में रहती है, जाती भी है तो भगवान देखती है, जब भगवान दिखती है तो मस्ती आ जाती है, जब भगवान दिखती है तो आनंद आ जाता है, जब भगवान दिखती है तो भगवान की महिमा दिखाई देती है, भगवान का वर्चस्व दिखाई देता है, भगवान ने कहा मैं सीमित में नहीं हूँ, मैं असीम असीम में हूँ, तो असीम में भगवान कैसे देखा जा सकता है, जब विलय हो जाएगा, जब भगवान में मिल जाएगा तो भगवान सिर्फ भगवान ही दिखाई देगा, क्योंकि विलय हुआ तो वही वही तो रह गया, तो दिखेगा क्या, फिर वही दिखेगा, भगवान के अलावा भी थोड़ी दिखेगा, जो भी दिखेगा जैसा भी दिखेगा बहुत सुंदर दिखेगा, बहुत अच्छा दिखेगा, मन को आनंद देने वाला दिखेगा, तभी तो आनंद जाएगा नहीं, तभी तो आनंद घटेगा नहीं, अभी है अभी नहीं है ऐसा आनंद नहीं होता, बोला छिने घटे छिने बढ़े सो तो प्रेम न होए, अघट प्रेम पिंजर बसे प्रेम कहाँ वे सोए, प्रेम वही कहलाता है जो अघट होता है, जो घटता नहीं है, जिसमें मेरी मैं विलय हो जाती है, जिसमें मेरी जागृति खो जाती है, दशा चढ़े और डुबाव ना आए, भगवान का साथ करे और लय ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता है। कहीं एक बारी क्या हुआ, चींटी जा रही थी चीनी के पहाड़ पर, दो चींटी की दोस्ती हो गई, तो उसने कहा कि वो नमक के पहाड़ पर रहती थी, एक चीनी के पहाड़ पर रहती थी, तो वो जो नमक के पहाड़ पर रहती थी वो दुबली पतली थी, तो उसने कहा इतना बड़ा पहाड़ पाई हो दुबली क्यों हो, बोला नमक खाती तो हूँ लेकिन कसैला लगता स्वाद नहीं आता है, वही खाती हूँ अच्छा नहीं लगता है, जिंदगी बेकार लगती है, जिसमें रह रही हूँ बिल्कुल बेकार है, पर कसैली नमकीन खा के उब गई, इस जगत में रह के ऐसे ही इंसान अपनी हालत पे अपनी परिस्थिति पे अपनी परिस्थिति से सबसे परेशान रहता है, उसने कहा चलो मैं तुम्हें दावत देती हूँ, तुम मेरे पहाड़ पर चलो, बहुत मीठा है, बहुत अच्छा है, बहुत आनंद है, कहीं जाने का मन ही नहीं करता है, इतना मीठा है, इतना सरस है, उसी में रह के आनंद में रहती हूँ, तुम चलो तुमको भी ले चलती हूँ। वो गई, जो चीटी थी उसने सोचा पता नहीं क्या गिलाएगी, थोड़ा सा नमक अपने मुंह पर रख ली, जब चीनी के पहाड़ पर गई तो उसने कहा कि कैसा लगा तुमको, मीठा स्वाद अच्छा लगा, तो उसने कहा वैसे ही नमकीन है, मीठा कहा तुम्हारा, तो उसने कहा कि इतना मीठा, इतनी चीनी, इतना आनंद, इतना सब कुछ बाकी की इसके इसको मीठा क्यों नहीं लग रहा है, उस सोच से आश्चर्य में पड़ गई चीटी, चीटी जब आश्चर्य में पड़ी तो क्या करे कि हम तो इतने मीठे पहाड़ पर लाए, इतने आनंददायी जगह पर लाए, इतना आराम वाला सुकून वाला मीठा है, तृप्त कर देने वाला सरस मीठा है, इसको मीठा क्यों नहीं लग रहा, उसने कहा अच्छा अपना मुंह खोलो, जब उसका मुंह खोला तो उसके अंदर नमक का दाना था, बोला ये नमक का दाना तुमने मुंह में क्यों रखा है, इसीलिए तो तुमको ये मीठा मीठा नहीं लग रहा है, नमक का दाना उसने निकाल दिया, जब निकाल दिया तो वो मीठा पाके अरे तृप्त हो गई, आराम में आगे बोले बहुत अच्छा है,
बहुत मीठा है। जब जब भजन में रस नहीं आता है, जब जब भगवान का नाम मीठा नहीं लगता है, जब जब भगवान के नाम में मन नहीं डूबता है। कल एक ने कहा था कि मन नहीं डूब रहा था तो उतना आनंद नहीं आ रहा था, मन दौड़ रहा था। तो देखो तो मन ने मुंह में क्या रखा हुआ था, नमक का लीला रखा हुआ था, जगत का विचार रखा हुआ था। जगत का विचार भगवान पे छोड़ दो, निकाल दो अंदर से, तब जब रस का पान करोगे तो यहाँ तो चीनी का पहाड़ है, आनंद का पहाड़ है। भगवान तो आनंद कंद दामोदर है, आनंद दे, सिर्फ 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 आनंद देने वाला। भगवान का विग्रह ही आनंद देने के लिए बना है, भगवान का स्वरूप ही आनंद स्वरूप है। ये जो पहाड़ है, ऐसा लगता था कि ये कहानी है, ये बात है, ये दृष्टांत है, लेकिन ये जीवन है, ये सच्चाई है। ये सच में दो चींटियों की लड़ाई है, मन और भगवान से, मन भगवान के रास्ते में और जगत के रास्ते में, दोनों दुविधाओं में पड़ा हुआ है। छोड़ पाता नहीं जिसमें फंसा हुआ है, पकड़ पाता नहीं जो पाना चाहता है। भगवान को पाना चाहता है, जगत में फंसा हुआ है, मन दोनों तरफ जाता है। भगवान को पकड़ लो, भगवान में मन लगा दो, फिर जानते हो क्या होगा, फिर सरस हो जाओगे, आराम में आ जाएगा। जब आराम में आ जाएगा तो क्या होगा कि जो संसार है वो भाग्य से, प्रारब्ध से, कृपा से चलता है, वो भगवान प्रयास से नहीं चलाता, प्रयास निमित्त मात्र लगाता है। और ये सब जो होनी हो, जो होनी होती है वो होती है, अनहोनी जो होती है जो भगवान की मर्जी होती है संसार में। तो फिर प्रयास न्यून है, कृपा बड़ी है। कृपा मिलती है भगवान के ध्यान से, भगवान में समर्पण से। भगवान कहते हैं जो भक्त भक्ति करता है उसका योग क्षेम मैं वहन करता हूँ। बताओ तो योग क्षेम की चिंता जगत है, उसकी चिंता करने की क्या जरूरत है, वो तो भगवान के हाथ में है। वो तो भगवान बहुत अच्छा कर देगा, साधन सुलभ कर देगा, कठिनाई को कम कर देगा, अंदर की प्रतिद्वंदिता को खत्म कर देगा, अंदर के जलन को खत्म कर देगा, अंदर के भय वैर को खत्म कर देगा। भगवान के बन जाओ, भाई मेरे के सारे झंझट से ऊपर जाओ, नहीं असर करेगा। जब नहीं असर करेगा तो चलेगा, तो गाड़ी चलेगी तो, लेकिन अटकेगी नहीं, नहीं अटकेगी। लगन के में अगर लगा दो, लगन में लक्ष्य लगा दो, जब बैठो भजन के लिए, जब सुमिरन के लिए बैठो तो जुड़ के बैठो, भगवान से जुड़ के बैठो। बोला हरि भजन को जाइए संग न लीजिए कोई, कहता है कोई संग नहीं लेके जाओ, लेकिन जो विचार और मन साथ में जा रहा है उसको भी अर्पण कर दो भगवान, उसका भी साथ नहीं करो, मन का साथ नहीं करो। भगवान में मन लगाओ, भगवान की भक्ति करो, तो मन को चढ़ाते हैं ना, कुछ भगवान के पास जाते हैं तो कुछ भगवान को अर्पण करते हैं, अपने मन को भगवान पे अर्पण करते, अपने विचार को भगवान पे अर्पण करते, अपनी जरूरत को भगवान पे अर्पण करते। बस जब सब अर्पण हो गया भगवान पे, खाली हो गया, खाली हो जाएगा तो तुरंत से ध्यान लगता है। खाली ही नहीं होता है इसीलिए ध्यान नहीं लगता है। भगवान का ध्यान न लगने का कोई और कारण नहीं है, मन की पकड़ का खाली होना नहीं होना है, खाली नहीं होती मन, मन की पकड़ को खाली कर दो, भगवान पे चढ़ा। भगवान तुम्हारा सर्वशक्तिमान है, भगवान जाने जाना नहार है। भगवान को हम जो चढ़ाते हैं तो भगवान स्वीकार करता है। हमारी समस्याएं, हमारी परेशानियां कहाँ कहेंगे जाकर, भगवान से ही कहेंगे। लेकिन कहने के बाद फिर चिंता नहीं करेंगे, कह दिया भी भगवान उपाय कर देंगे, उसको ठीक कर देंगे, उसको व्यवस्थित कर देंगे।
कहना थोड़ी पड़ता है कि यहाँ से करो, यहाँ से इधर से करो, और ये करो और वो करो। नहीं, भगवान को हम राय नहीं बता सकते। कहता कौन कहे मालिक को, यूं कर यूं ना कर, ऐसा करो ऐसा नहीं करो, भगवान से नहीं कह सकते हैं। ये भगवान से कह सकते हैं कि भगवान हमारे अवगुणों पर ध्यान न दो, अवगुण चित न धरो। प्रभु जी भगवान का मैं भजन कर रहा हूँ, सुर में कर रहा हूँ, ये बेसुरा कर रहा हूँ, उस पर भगवान ध्यान न दो। मेरे भाव को देखो, मेरी लगन को देखो, मेरी भक्ति में मन और बढ़ाओ, भक्ति और बढ़े मेरी भगवान से, ये प्रार्थना करता है। जब ये प्रार्थना करता है तो उस प्रार्थना को भगवान कबूल करते हैं, उसके अनुसार भगवान रास्ता देते हैं, उसके अनुसार भगवान हम भगवान से मिल जाते हैं, भगवान की कृपा से भगवान की प्राप्ति होती है। कृपा मिलती है भाव से, पर खाली एकाग्र मन से भजन करो। समस्याएं कोई आती है उनको भगवान को कह दो, भगवान को बता दो। हम एक बार कहते हैं भगवान उसका भगवान सब सही कर देते, इतना जानते हैं कि भगवान से सब उद्धार होता, भगवान से कृपा मिलती है, ये तो पक्की बात है, इसमें कोई संशय नहीं। भगवान के रास्ते में चलो तो भगवान मिल जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। चलो बस लगो, बस भक्ति करो, भगवान को सर्वश्रेष्ठ मानो, पूजनीय मानो, और उसकी पूजा करो, ध्यान करो, धारणा करो, समाधि करो, ध्यान धारणा प्रसन्न समाधि मतलब उसमें मजे में आ जाओ। ध्यान करके भगवान का ध्यान करो, भगवान मेरे पास है महसूस करो, आनंद जो है आनंद आ जाएगा, मस्ती आ जाएगी, भगवान में डुबाव आ जाएगा, मस्ती में खो जाओ भगवान की, भगवान की मस्ती, भगवान का आनंद, भगवान कभी नहीं छोड़ता। तभी तो भक्त तृप्त होता है ना, मेरे पुकार है तो तृप्त थोड़ी होगा। हमको भूख लगी है तो हमको खाना चाहिए, हमको स्वादिष्ट बन का खाना मिल जाए तो बताओ भूख कहाँ रहेंगे, ठनक जाएगा पेट। भगवान के हाथ से, भगवान की प्लीज से जब भोजन मिलता है तो तृप्ति का हाथ कैसे नहीं आएगी। संग से तृप्ति आती है, कृपा से तृप्ति आती है, भगवान की नजर से तृप्ति आती है, मस्ती आ जाती है, आनंद आ जाता है। अब कुछ बात किसी को मन में आ रही हो तो जरूर कहो, भजन करना हो तो भजन करो, जो मर्जी करो। हमें एक बात याद आ रही थी जब आप बोल रही थी, हाँ बताओ, लगन की बात आप कह रही थी, भाव की बात में दुर्लभ दुर्योधन की, तो हमें वो याद आ रहे थे गुरु जी का। एक बार ऐसा हुआ था कि गर्मी थी, हम गए हुए थे वहां लखनऊ, और गुरु जी बिब्बू को आना था, एकदम से गुरु जी को पता चला कि गुरु जी फलानी बुला रहे हैं, ऐसे करके जल्दी से बिब्बू गई। बिब्बू जैसे सुना तो चली गई, वहां गई तो मिली मिलाई, लेकिन गुरु जी के हाथ में क्या है, हाथ में क्या है, वो एक्चुअली एक अमरूद खा रही थी, और अमरूद की उस समय खा रही थी, उसी समय गुरु जी का बुलावा आ गया, तो भाग गई एकदम से, अमरूद खाना भूल गई और हाथ में पकड़ा रह गई ऐसे। और जब गुरु जी ने पूछा हाथ में क्या है, हाथ में क्या है, तो करके खोला तो वो जैसे सना हुआ था गर्मी से, पूरा पसीने से लसर वाला कैसा गंदा अमरूद का फाक थी वो। और वो जब और कह मेरे लिए लाई गुरु जी जैसे कुछ नहीं देखने वाले, सिर्फ भाव की, देखो भाव क्या होता है, वो ही जो गुरु के नाम पे छोड़ा, उसको ध्यान ही नहीं रखाने का उसको। और वो वहां जब पहुंची है गुरु जी ने वो ऐसे मेरे लिए लाई करके खाया है, तो सच बताए ऐसे आंसू निकल रहे थे,
कि हे भगवान तुम तो कुछ भी नहीं देखते, सिर्फ कैसा भाव देखते हो कि कितना, अगर बुद्धि से देखा जाए वो अमरूद एक घंटे से ऊपर हो गया पसीने में, चौक से केसरबाग तक आना और उस अमरूद की क्या दशा हुई होगी, उस फाक की अमरूद की, और कोई भी बुद्धि से तो नहीं खा सकता। लेकिन भगवान सच में भाव का होता है तो कैसे उन्होंने उसको खोल के मेरे लाई में, और सच में वो उन्हीं के लिए तो था, क्योंकि जो हमने उनकी लगन में छोड़ा वही तो पाते हैं प्रसाद, वही तो हम उनको ग्रहण करते हैं भगवान। तो ऐसा लगा कि देखो वो बात जब आप विदुर दुर्योधन वाली बता रही थी तो गुरु जी की ये बात याद आ रही थी कि अरे गुरु जी कैसा, मतलब ऐसा जैसे उस समय लगा था अपने आप को चेक कर लो, अपने आप को रख लो उस जगह पे, क्या ये संभव है, बहुत मुश्किल है, जब तक आप पूरे डूबे ना हो, ना आप हो ना हम हो तब ये संभव है, जहां दो है वहां ये संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है ये क्रिया किसी भी तरह से, भले भले से भला कोई कितना प्यारा हो बुद्धि से नहीं, ये प्रेम है, प्रेम से भाव है, भाव से। गुरु जी का याद आ रहा था कि जब बताएंगे हम लोगों ने तो ऐसे गुरु को जीवन तो अपने जीवन में देखा है, उनका साथ लिया है, एक एक घटना क्रम को जिया है, जिया है गुरु जी का ऐसा साथ, एक एक घटना क्रम को जिया, तो बहुत बस याद आ जा रही थी वो बात कि क्या कहें गुरु जी की, सच में ईश्वर सारा ज्ञान बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट है, लेकिन वही है ना कि आप हमारा आपका भाव खत्म ना, एक भजन है ना, जब दिल में उनकी याद उठी एक शक्ल नई ईजाद हुई, पल पल वह मस्त मुलाकातें, या तू जाने या मैं जाने, वो ही वाली बात बिल्कुल याद आती कि गुरु जी कैसे हम लोगों के जीवन में उल्टी सीधी सब परिस्थितियां आती हैं, जैसे ही उनकी याद आ, इसमें भी तो तू ही है, यहाँ भी तो तू है, जहां या और एक नई शक्ल के रूप में वो आ जाते हैं हमारे सामने, प्रकट हो जाते हैं, और फिर क्या, पल पल वह मस्त मुलाकातें, या मैं जानू या तू जाने, वो मुलाकातें ही तो अंदर में होती हैं, वो हो जाने या मैं जानू, हर घटनाक्रम में यही महसूस होता है कि इसमें भी तो तू है, तू तो यहाँ, जब तू कणकड़ में है तो यहाँ कैसे नहीं है, इस घटनाक्रम में भी तो तू ही है, इस व्यक्ति में भी तो तू ही है, सब जगह जब तू है तो कैसे नहीं, जहां उसका ध्यान करते हैं एक नई मुलाकात का मजा मिलने लगता है, एक नई मुलाकात का आनंद मिलने लगता है, ये बिल्कुल राइट बात है, बहुत अच्छा लगता है। दीदी जी भाव की बात बता रहे हैं गुरु जी की, भगवान कहते हैं भाव से, एक बार सत्संग सागर में तो भगवान जी के लिए खाना वाना बनाया, तो हमको नहीं मालूम था कि भगवान जी को दाल कैसी पसंद है, एक बार दाल बनी तो घुटी बना दी, घुटी दाल, उसके बाद हमने कहा पता नहीं भगवान जी को कैसी दाल पसंद है, घुटी पसंद करते हैं कि नहीं, तो दूसरी दाल फिर बनाई, वो खड़ी बनाई, मतलब कि भगवान जी जो चाहेंगे वो दाल उनको, तब तक भक्त वक्त सब आ जाएंगे, मालूम चल जाएगा कि उनको दाल कौन सी पसंद है, तो फिर वैसी दाल बनाई, दो दालें बनाई, इसके अलावा बहुत अच्छी अच्छी खाना बनाया था, मतलब दाल तो बना दी थी, पर उसमें ये था जब भगवान जी आए तो बहुत भीड़ हो गई, और भीड़ में खाना परसने वाले, मतलब हम लोगों ने जो बनाया था तो हम लोग अपनी जगह से भी नहीं उठ पाए, दूसरा व्यक्ति खाना भगवान जी का परस के लाया, और भगवान जी जब खाना खा रहे थे तो सारा लगे जैसे दाल ही दाल की इतनी उन्होंने वो कर दी कि दाल बहुत अच्छी बनी है, दाल बहुत अच्छी, किसने बनाई इतनी अच्छी दाल, तो भगवान जी कहते थे वो चिटार्स में दिखा भी देते थे
कि देख तूने किस भाव से बनाया और भगवान ने किस भाव से ग्रहण किया। तो एक एक सेंटेंस जो है वो सत्य होता चला जाता है, विश्वास बढ़ता चला जाता है कि देखो इस भाव से भगवान जी को यही चीज क्यों इतनी अच्छी लग रही है। इसी का नाम ले रहे विमला भाई क्या सत्संग था तो हमने कढ़ी बनाई, ज्यादा सी बनाई थी और बनाई तो भगवान के प्रेम में ही थी, भगवान के लिए ही थी, पूर्ण समर्पण था। और हम लोग खुश भी बहुत होते थे जब हमारे मोहल्ले में सत्संग होता था तो वो चाहे किसी की हो पर हम लोग खुशी बहुत होती थी कि हमारे मोहल्ले में आ रहे हैं। तो कढ़ी बना के ले गए अच्छे से, वहां भगवान जी को सर्व किया गया। जब भगवान जी ने कढ़ी खानी शुरू करी तो इस कदर कढ़ी तारी पूरे सत्संगियों को बांटना शुरू कर दिया। अब हमको क्या मालूम था कि हमने फिर जल्दी से एक आदमी भेजा कि जाओ कढ़ी ले आओ और ले आओ, यहाँ तो लगता कम पड़ जाएगी। वो फिर कढ़ी ले आया, उसके बाद भगवान जी ने सबको तू खा के देख कितनी बढ़िया कढ़ी बनी, तू खा के देख, ऐसे कर करके पूरे सत्संगियों को बांट लिया। फिर चलते समय बोले थोड़ी कढ़ी मेरे लिए रख देना डोलची में। पूरे दीदी हमको वहां से घर से अपने पूरा बर्तन कढ़ी का मंगाना पड़ा कि मतलब ऐसा उन्होंने उसको स्वीकारा है और उसको महसूस किया। हमने कहा कि हे भगवान तुम कैसा सुनते हो कैसा समझते हो और मतलब हद है। फिर कहां शंका करें भगवान में बताइए, वो हर बात में तो दिखा देते हैं। एक बार गुरुजी यहाँ आए थे बरेली, तो हमारी तरफ खाना खाने आए गुरुजी। अब उसमें क्या हुआ, हम लोगों ने सब वो अपना बनाए, हम अपना बनाए और मेरी सास ने अपना कहा कि हम वो आलू बनाएंगे, वो बनाती है पुदीने का आलू, तो उन्होंने कहा हम वो बनाएंगे। अब ठीक है, जो जो कह रहा है भगवान के लिए बोल रहा है, हम लोग क्यों मना करेंगे। जब खाने चले गुरु जी तो सबसे ज्यादा तारीफ जो है वो माँ के आलू की। क्यों, तो हम लोग को लगा देखो हम लोग तो कहते अच्छा बना नहीं बना ले, लेकिन उस समय तो बड़ी तेजी रहती थी ना, तो हमने बना अब तो हम लोग हैं, हम लोग का पसंद आएगा, अभी अपना बना के रहे, हम अपना बनाए, तीनों ने आलू ही बनाया वैरायटी। लेकिन गुरुजी ने सिर्फ माँ के आलू की तारीफ करी। हमने कहा देखो बाद में जब गुरुजी के साथ गुरुजी की जो उनका जो एक्शन होता था, हमारे लोगों के एक्शन से रिएक्शन जो होता था, उसी से अपने आप को चेक करते हैं, उसी से तो चेक करते हैं कि ये गुरु तो राइट है। अब गुरु ने हमारे खाने की तारीफ हमारे आलू की तारीफ क्यों नहीं करी, तब लगा। हम लोग बोले देखो हम लोग को तो बड़ा अभिमान था, ये तो निराभिमान था, मैं प्रेम से कर रही थी कि हम ये वाले आलू बनाएंगे। वो बिल्कुल भगवान नहीं मानती कुछ नहीं, लेकिन क्या था उनका भाव था निराभिमानता का, बड़ा दीन भाव कि वो उन गुरु के सत्य का आकर्षण था जिसके कारण उन्होंने बनाया ये सब बात। तो हम लोग को अब जब कहते नहीं एनालिसिस हम लोग बहुत करते हैं, हम लोग बैठ के यहाँ आप क्या करेंगे, सिर्फ एनालिसिस कहते और कुछ कर ही नहीं सकते थे। तो गुरु जी राइट है और गुरु जी ने ये काम क्यों किया, तब महसूस हुआ कि देखो हम लोग अभिमान में थे, हम लोग तो बड़े भक्त से ये कहाँ भक्त रखते हैं, ये कहाँ भगवान को मानती है, कुछ नहीं करती, लेकिन गुरु जी ने उन्हीं का खाया। तो गुरु जी के माध्यम से अभिमान की भी झलक मिल जाती थी और गुरु जी के माध्यम से भाव की भी पता चलता था, भाव नहीं है या भाव है ये भी पता चलता था। गुरु जी से ही सब पता चला, उनके सत्य से, वो जो वो सत्य कहते चलता फिरता ब्रह्म, वो उनकी उनकी हरकत से मतलब उनकी कृपा की दृष्टि पड़ जाती थी तो समझ में आ जाता था। उनकी कृपा की दृष्टि अभिमान से कुछ करो या बन के कुछ करो पता चल जाता। अपनी आंतरिक स्थिति से समझता है हमने किस भाव से क्या कर्म किया, भगवान ने कैसे उसको स्वीकारा, इस चीज से वो अपने को भी जानता है ना, फिर वो भगवान की बात भी मानता है। भगवान जी की एक एक बात सही है, हर बात में की भाव से बनाओ,
भगवान के नाम की कलछुल चलाओ, जो कटकट कटकट करके बनाते हैं तो उसमें रस नहीं आता है, भगवान भगवान करके कलछुल चलाएगी तो खाना बढ़िया बनेगा। तो भक्त को भी पक्का करता है भगवान ये दिखा के कि फिर हिला नहीं सकता कोई, एक बार विश्वास हो गया, एक बार देख लिया, दो दफे देख लिया, चार दफे देख लिया, अब फिर वो तो देखने की भी कोई वो ही नहीं रह जाती, जब विश्वास है तो क्या बार बार देखना हुआ, मालूम है मालूम है कि भगवान कैसा है, भगवान कैसे भाव का है। अब वो चाहे शबरी का सुनो चाहे उनका सुनो कि केले के चिक्कल खाया या केला खाया या क्या किया, तो वो सब दिखने लगता है। भगवान जी ने तो सच में देखा जाए जो लीलाएं दिखाई है ना, आप कोई भी लीला ईश्वर की देखो, टीवी पे भी देखो, आप अपने गुरु जी दिखेंगे, और उससे ज्यादा सुंदर स्वरूप कोई दिखता नहीं, दिखता नहीं है। अगर कृष्ण भगवान कृष्ण भगवान रामायण आती थी आपको सारी झलक में गुरु जी दिखते, हमको तो भाई दिखते हैं, हमको तो लगता है कि भगवान जी से सुंदर तो कोई था ही नहीं सही बात बिल्कुल सब कुछ सामने देखा हुआ है, सुना नहीं देखा है, उसी में जी है तो अच्छा लगता है। और जैसे गोपियां थी दीदी, तो हर गोपी समझती थी कि कृष्ण उनका है, और हर गोपी के साथ कृष्ण नाचते थे, ऐसे ही हमारे गुरु जी का है कि हर गोपी समझ रही है कि गुरु जी उसके हैं, उसी तरह का भाव हो जाता है, उसी तरह का प्रेम हो जाता है, उसी तरह का अनुभव हो जाता है, सबके पास अनुभव है, सबके पास प्यार है, जिसने जितना समझा जितना संपर्क में आया उसके पास उतना ज्यादा है, और जिसमें उतनी त्याग की क्षमता रही उसने उतना ग्रहण कर लिया गुरु जी को, गुरु जी के ज्ञान को। भगवान ने तो सब कुछ जो शब्दों से भगवान ने ज्ञान दिया वही प्रैक्टिकल में भी दिया है, दिया प्रैक्टिकल में भी भगवान ने वो दिखाया, अब माने तू या ना माने वो अपने अपने ऊपर है, काहे ना माने, ना माने मन भूलता है, नहीं मानता है, फिर संसार में चला गया, फिर भूलने लग गया, लेकिन भगवान ने अपने मिलेंगे चलेंगे राखे तो चलेंगे पक्का मालूम है, क्योंकि उनकी शरण है, अपने ज्ञान को बिल्कुल सच करके दिखाया है, तो कहा उसके अनुरूप आपकी निगाह में आपको दिखा दिया कि देख, जब से कहते नहीं मांगने की इच्छा मेरी जाती नहीं, तो अभी क्या मांगे जब वो बगैर मांगे दे देता है, लेकिन कभी तो मांगा, अब तो सोचते भी रहो कि जाएंगे समाधि पे ये कह देंगे, वहां ये कह देंगे, जाएंगे लौट जाएंगे कुछ जाएंगे, विचार खाली हो जाएगा, लेकिन कभी तो मांग ही लेते थे, मांगते ही थे। एक महिमा गुड़ी कह दिया आपको और बताएं, बहुत सुंदर महिमा, एक बात उस दिन हम आपको बता रहे थे पुताई वाली बात, उसके बाद हमारे घर में पुताई हो गई है, अब हमको गुरुजी का सत्संग कराना था, समझिए आप तो अब कराना भी बहुत अच्छे से चाहते थे बहुत बढ़िया, भगवान जी के लिए ये लाए वो लाए, तो हमको एक सोने की अंगूठी मिल गई, समझिए आप, हमने सबको बताया कि भाई जिसकी अंगूठी खोई हो वो हमारे पास एक अंगूठी हमको मिली है, पार्क में मिल गई, चिंटू को मिली थी, चिंटू उठा के लाया तो वो सोने की थी, तो ये वर्क ये तो गलत है, पता नहीं किसकी गिरी है, तो कॉलोनी में ये बात बता दो, कोई नहीं आया, फिर हमने उस अंगूठी को बेच दिया, समझे बेच के हमने सत्संग किया, और सत्संग में खूब अच्छे से सत्संग हुआ, खूब भगवान जी के लिए भी जो इच्छा थी वो करा, प्रसाद भी खूब अच्छे से हुआ, और वीडियो फिल्म बनवाई भगवान जी की कीर्तन में वीडियो बनवाई, और पप्पू या जो थे ना आपके भाई, उनके उनका होटल था उस समय पे, तो उनके होटल से छोले भटूरे बने सारे भक्तों के लिए
मतलब भगवान ने जैसे हमारे पास पैसा भेज दिया कि तू कर, ऐसी ऐसी महिमा होती है। जितने में भगवान जी का हमारा सारा काम हो गया, इतना भी वीडियो फिल्म भी बन गई, सत्संग भी हो गया, भगवान जी के लिए साड़ी वाली जो चीज जैसी लाना चाहते थे ले आए। और जब हम भगवान जी के लिए साड़ी लाते थे हर सत्संग में, तो एक अपने लिए भी लाते थे। तो हम अपने लिए भी एक साड़ी लाए, एक भगवान जी के लिए लाए ना। ये कैसी महिमा है, भगवान ने व्यवस्था कर दी, आपको तमाम था उन्होंने कर दिया पूरा भंडार। और सोना था तो कोई ये भी नहीं कह सकता कि इसको ना बेचो, भाई सोना पारा तो अच्छा होता ही नहीं है। ना कोना अच्छा ना पाना अच्छा ना, तो ऐसी गुरु की महिमा होती है, क्या कहे। ना पाना अच्छा इसीलिए नहीं, ध्यान से रखो कीमती चीज, इसीलिए वहम में कुछ मत रहा करिए। नहीं लोग कहते हैं ना, हाँ इसीलिए कि कीमती चीजें ध्यान से रखे, कह दिया खुद पाना भी चाहेंगे दूसरे की चीजें कीमती है दे दो इसलिए। और जबकि हमारे दिमाग में नहीं था, अगर कोई हमारे पास आता और कहता कि ये अंगूठी हमारी है तो इतना तो हम जरूर कहते कि कैसी है क्या डिजाइन है, लेकिन हम उसको वापस कर देते। लेकिन कोई आया ही नहीं, जब बहुत दिन हो गए कोई नहीं आया, तो फिर हमने कहा ये अब भगवान ने हमारे पास भेजा, इससे अब हम अपनी इच्छा की पूर्ति करते हैं। सही बात, बहुत बढ़िया सत्संग हुआ, बहुत अच्छा सत्संग हुआ। भगवान जी को हमने बताई ये बात, भगवान जी को बताई ये बात। भगवान अपना काम खुद कर भगवान खुद करवाए, भाव हो भगवान सब कर देता है। तू बस चाहना हो तो बोलेंगे, फिर ऐसा है कर भी ना पाओ तभी भी बोलेंगे। चीर वाली बात वही, मतलब सब ऐसा लगता है जैसे अंतर्यामिता उनकी, बड़ी छोटी छोटी बात हो, कहते रहे हर बात में तो उनका जलवा दिख जाता है, हर बात में। आँख वालों ने कब तुमको देखा, कान वालों ने कब ये सुना है, तेरा दर्शन उसी को हुआ है, तेरा दर्शन उसी को हुआ है, काबिल नहीं मेरे बागे बिहारी सवैया। देखिए दीदी, हम भजन ढूंढने लग गए तो हमारा गाने का रस खत्म हो रहा है, हम इसीलिए जरा खोल ले फिर गाते हैं, क्योंकि कहीं भूल ना जाए, ऐसा तभी हम नहीं देख के गाते हैं। हमने सोचा ना भजन खोल ले कहीं भूल ना जाए, तो आधा दिमाग तो पन्ना पलटने में लगता है। सच्ची बात। वो पन्ना पलटने में तो मजा खत्म हो जाता है, या तो कोई खोल के दे दे, अभी सुना रहे। हाँ बिल्कुल सही कह रही है, आनंद तो चला जाता है, रस चला जाता है, सही कह रही। अब गाएंगे, मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, आँख वालों ने तुझको है देखा, कान वालों ने तुझको सुना है, आँख वालों ने तुझको है देखा,
को सुना है, तेरा दर्शन उसी को हुआ है, तेरा दर्शन उसी को हुआ है, जिनकी आंखों में पर्दा नहीं है, तेरा दर्शन उसी को हुआ है, जिनकी आंखों में पर्दा नहीं है, मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, ये अंगूरी मदिरा नहीं है। हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, ये कोई अंगूरी मदिरा नहीं है, मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। हम तो पीते, ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, चढ़ जाए उतरता नहीं है, ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, चढ़ जाए उतरता नहीं है। लोग पीते हैं दुनिया के डर से, लोग पीते हैं दुनिया के डर से, हमको दुनिया की परवाह नहीं है। लोग पीते हैं दुनिया के डर से, हमको दुनिया की परवाह नहीं है, मेरे बाके बिहारी सवरिया, किस तरफ तेरा जलवा नहीं है। सुबह शाम मैंने तुमको पुकारा, तेरे नाम का लेके सहारा, सुबह शाम मैंने तुमको पुकारा, तेरा नाम का लेके सहारा, तेरे भक्तों ने जब भी पुकारा, तेरे भक्तों ने जब भी पुकारा, तेरे आने में देरी नहीं है, तेरे भक्तों ने जब भी पुकारा, तेरे आने में देरी नहीं है, मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ। जय सतगुरु की। जय सतगुरु।